गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नव भारती परिवार में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है बच्चों हमारा शिक्षण कौशल, जिसे हम बीएड में कई बार पढ़ चुके होते हैं, उनके हम प्रयोग करते हैं शिक्षण कौशलों का। ये जो हमारे शिक्षण कौशल है, इससे संबंधित हमारे आपके जो अध्यापक पात्रता परीक्षा है उसमें, यानी कि आपके रिट में, आपके जो भी टीचिंग सीटेट में, आप जो भी एग्जाम टीचर के देते हैं कंपटीशन एग्जाम, उसमें सब में हमें शिक्षण कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये हमारे 10 नंबर के शिक्षण कौशल से संबंधित हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, वैसे ये बहुत इजी भी होता है, क्योंकि हम जब बीएड करके यहाँ से निकले होते हैं तो बीएड से में हमें शिक्षण कौशल का मतलब या शिक्षण कौशल के प्रयोग, शिक्षण कौशल के प्रकार कौन कौन से होते हैं, इन सब का हमें अनुभव होता है कि शिक्षण कौशल क्या होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको शिक्षण कौशल के बारे में बता रही हूँ कि शिक्षण कौशल को आखिर शिक्षण कौशल कौन कौन से होते हैं, शिक्षण कौशल की परिभाषाएं कौन सी होती है, क्योंकि कई बार इस शिक्षण कौशल की परिभाषाएं जो महत्वपूर्ण है वो हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको दो परिभाषाएं लिखी हैं जो आपके इम्पोर्टेंट भी हैं, साथ में हमने इसमें जो इसकी विशेषताएं होती हैं, कई बार इनसे संबंधित हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं शिक्षण कौशल से, तो उन विशेषताओं का भी मैंने वर्णन किया है। साथ में हम जो शिक्षण कौशलों में प्रयोग करते हैं उन विधियों का, किन किन विधियों के माध्यम से हम हमारे उन कौशलों का प्रयोग कर सकते हैं, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बच्चों हमने देखा कि शिक्षण क्या है, जो मैंने आपको बताया कि शिक्षण है हमारी टीचिंग, जो हमें अध्यापक पढ़ाते हैं। साथ में कौशल का अर्थ, कौशल का मैंने आपको अलग से भी बताया था कि कौशल का अर्थ होता है स्किलिंग, यानी कि हम जिस कार्य में निपुणता, दक्षता हासिल कर लेते हैं वो होता है कौशल। अगर हम यहाँ इसे मिला के देखें शिक्षण कौशल, अर्थात शिक्षण में दक्षता प्राप्त किए हुए, और दक्षता प्राप्त कौन किए हुए हमें पढ़ाते हैं, हमारे अध्यापक, क्योंकि इन शिक्षण कौशलों का प्रयोग अध्यापकों के द्वारा किया जाता है। किसके लिए? अपने विद्यार्थियों के लिए। क्यों किया जाता है? क्योंकि वो अपने जो शिक्षण प्रक्रिया करवा रहे हैं उसे वो प्रभावी बनाना चाहते हैं, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट जागृत करने के लिए इन कौशलों का प्रयोग करते हैं। इसलिए हम देखें कि शिक्षण कौशल को अगर अर्थ के माध्यम से देखें कि शिक्षण कौशल आखिरकार होता क्या है, तो सिंपल अर्थ है इसका कि शिक्षक के द्वारा जो कार्य करते हुए अपने शिक्षण को प्रभावपूर्ण, रुचिपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक जो भी कार्य करता है, या जो भी अपने शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो शिक्षण कौशल के अंदर आते हैं। और शिक्षण कौशल के अंदर हम मान सकते हैं, चाहे शिक्षक हमें किसी व्याख्यान के द्वारा पूछ रहे हैं, प्रश्न उनका पूछना, पुनर्वलन प्रदान करना, उदाहरण प्रस्तुत करना, ये सब एक शिक्षण प्रक्रिया का हिस्से होते हैं। इनके द्वारा, इन कौशलों का वो प्रयोग करते हुए अपने शिक्षण प्रक्रिया को वो प्रभावी बनाते हैं। यानी हम सामान्य अर्थ में जरिए कह सकते हैं कि जब शिक्षक हमें अध्ययन करवाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, शिक्षक के द्वारा जो शिक्षण प्रक्रिया में जित भी क्रियाओं का समावेश होता है अच्छे से अच्छा और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए, वो सब हमारे शिक्षण कौशल में आते हैं। तो हम अर्थ में लिखेंगे कि शिक्षक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में जो वो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी करते हैं ना, शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली व रुचिपूर्ण बनाने के लिए शिक्षक जो भी कार्य करता है बनाने के लिए शिक्षक जो भी कार्य करते हैं वो शिक्षक
शिक्षण कौशल कहलाता है। शिक्षण कौशल कहलाता है। अब इसके अंदर चाहे वो सर्वप्रथम आकर, क्योंकि वो उनका एक मेथड होता है कि वो अपने शिक्षण प्रक्रिया को किस तरह से रुचिपूर्ण बना सकते हैं, किस तरीके से वो उद्देश्यपूर्ण बना सकते हैं। उसमें शिक्षक छात्र से प्रश्न भी पूछ सकता है या अपना व्याख्यान लेक्चर देके भी उसे उस टॉपिक में इंटरेस्ट जागृत कर सकते हैं, या वो किसी उदाहरण के माध्यम से अपनी शिक्षण प्रक्रिया को शुरू कर सकते हैं। यानी कि जो उनका प्रस्तुतिकरण है वो इन किसी भी माध्यमों के कारण हो सकता है जिसके द्वारा वो अपने शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं। क्योंकि शिक्षण कौशल हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया होती है शिक्षक की, कि शिक्षक हमें किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, ये इस कौशलों में होता है। यही मैं आगे आपको इनकी परिभाषा बताऊंगी कि जो विभिन्न जो हमारे हमारे जो शिक्षाविद हुए उन्होंने कौन कौन सी परिभाषाएं लिखी। अब इसमें सर्वप्रथम जो परिभाषा है वो है हमारी डॉक्टर वीके पासी, और ये हमारी इम्पोर्टेंट भी होती है। ये परिभाषा ये इम्पोर्टेंट भी है बच्चों। इसकी इनकी परिभाषा है, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह होता है। यानी कि क्या करते हैं वो शिक्षण कौशल, क्या करते हैं छात्रों को जो सिखा रहे हैं ना अध्यापक, जो सिखाते हैं उनके लिए वो सुगमता प्रदान करते हैं, अर्थात सरलता। यानी कि जो चीज छात्रों को कठिन लग रही है वो शिक्षक के कौशलों के माध्यम से बच्चों को सुगमता प्रदान करते हैं, सरलता प्रदान करते हैं कि किस तरीके से आसानी से बच्चों को वो समझ में आ जाए। ऐसे विचारों के द्वारा, इन विचारों को रखते हुए इन शिक्षण कौशलों का प्रयोग किया जाता है और इस क्रिया को संपन्न की जाती है। यानी कि शिक्षक इस प्रक्रिया को इसलिए करते हैं, उनके दिमाग में ये विचार उत्पन्न होता है कि हम छात्रों को जो सिखा रहे हैं वो जो अध्यापक सिखाना चाहते हैं वो बच्चे आसानी से सीखे, उसमें सरलता से उनको कोई कठिनाई का अनुभव ना हो, इसीलिए वो अपने इन विचारों को दिमाग में रखते हुए इन कौशलों का वो प्रयोग करते हैं, और इसी से संबंधित वो शिक्षण क्रिया और व्यवहारों का वो समूह बनाते हैं कि कौन कौन सी इससे संबंधित उन्हें क्रियाएं करनी है साथ में। ऐसा कहते हैं ना, क्रियाएं जब हम अधिगम बच्चों को करवा रहे हैं, शिक्षण हम बच्चों को करवा रहे हैं, तो उनके व्यवहारों में भी परिवर्तन आता है, तो वो उन व्यवहारों का भी समूह बनाते हैं। तो ये हमारी डॉक्टर वीके पासी जी की परिभाषा थी कि शिक्षण कौशल छात्रों को सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने के विचार से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह होता है। दूसरी परिभाषा है हमारी एस के कुलश्रेष्ठ जी की, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये अधिकतर हमारे जो भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, नेट लो, रीट लो, आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, सी ग्रेड, यानी किसी ना किसी में हमसे ये परिभाषा कुलश्रेष्ठ जी की पूछी जाती है कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र होता है। पहले भी मैंने एक डेफिनेशन बताई थी कि शिक्षण क्या होती है, इन्होंने ही कही थी कि शिक्षक एक कलाकार होता है। ये परिभाषा भी मैंने आपको शिक्षण में लिख पाई थी कि शिक्षक के लिए कहा जाता है कि जो शिक्षक हमारी जो क्रिया करते हैं कि शिक्षण एक कलाकार के रूप में, अभिनेता के रूप में अपना रोल निभाता है। और यही कुलश्रेष्ठ जी ने यह कहा कि शिक्षण कौशल ही शिक्षक का क्या होता है, हथियार होता है। कहते हैं ना कि जिस तरीके से युद्ध में सैनिक अपने बिना अस्त्र के वो क्या होता है, निर्बल होता है, उसी तरीके से शिक्षक को जब तक उनके शिक्षण कौशल उनके शिक्षण कौशलों का वो प्रयोग नहीं जानते हैं तब तक उनकी जो शिक्षण प्रक्रिया होती है वो अधूरी होती है, या हम कहें कि जब तक उन्हें शिक्षण कौशलों का उनका उनको खुद को अनुभव नहीं होता है तो वह उनके लिए एक निर्बल या निशस्त्र क्रिया होती है। तो शिक्षण कौशल को शिक्षक के लिए एक अस्त्र के रूप में माना है कि ये शिक्षक का एक अस्त्र होता है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है।
यानी कि जिस अस्त्र का वो प्रयोग करके हमारे जो शिक्षक होते हैं वो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं कि किस तरह से वो क्या चाहता है ना, शिक्षक अपने जो छात्र हैं उनसे क्या चाहते हैं, यानी कि वो पॉजिटिविटी जानते हैं, अपना रिजल्ट भी अच्छा चाहते हैं, तो वो प्रभावशाली जब तक शिक्षण प्रक्रिया नहीं होगी तब तक वो पॉजिटिविटी नहीं आती है, यानी कि वो चाहते हैं कि वो बेस्ट से बेस्ट करें, तो वो प्रभावशाली वो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया होती है उसको हमें प्रभावी बनाना होता है। और वो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी हम किसके माध्यम से बनाते हैं, शिक्षण कौशलों के माध्यम से, तथा कक्षा की अंतर प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। मैंने बताया था कि शिक्षक और शिक्षार्थी के अंदर इस बीच में मध्य क्या होती है, एक अंतर क्रिया होती है, वो उसी अंतर क्रिया का बता रहे हैं कि यहाँ तक यहाँ पर जो शिक्षण के माध्यम से जो अंतर क्रिया होती है शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य, वो अंतर प्रक्रिया में वो सुधार लाना चाहते हैं, अर्थात अच्छा करना चाहते हैं, जिससे बच्चे पूर्ण रूप से उस शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक के साथ सहभागिता निभा सके। और ये सहभागिता वो तभी निभा सकते हैं जब शिक्षक स्वयं अपने शिक्षण कौशलों का प्रयोग पूर्ण रूप से करना जानते हो। तो ये हमारी ऐसे कुल श्रेष्ठ की डेफिनेशन थी कि शिक्षण कौशल शिक्षक के हाथ में वह शस्त्र है जिसका प्रयोग करके शिक्षक अपने कक्षा शिक्षण को प्रभावशाली बनाता है तथा कक्षा की अंतर प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करता है। ये ऐसे कुल श्रेष्ठ जी ने कही है कि ये परिभाषा उनके माध्यम से लिखी गई है। एक परिभाषा हमारी और है, वो परिभाषा थोड़ी बड़ी है इसलिए मैंने उसे लिखी नहीं। वो परिभाषा है शिक्षण कौशल, यानी कि ये है हमारी इनकी है वाइट की मैकिन्स्टीयर की, उन्होंने कहा है शिक्षण कौशल शिक्षण व्यवहारों से संबंधित वह स्वरूप है जो कक्षा की अंतर प्रक्रिया द्वारा उन विशिष्ट परिस्थितियों को जन्म देता है जो कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति करें। यानी कि हमने कही थी ये चीज, हमें जब हम शिक्षा ग्रहण करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या होता है, वातावरण, हमारी परिस्थिति। तो यहाँ पर उन्होंने मैकिन्स्टीयर जी ने जो कही है वो यही कही है कि जब तक हम ऐसा वातावरण और ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं करते कि बच्चा उस शिक्षा को ग्रहण करे, अर्थात हम देखते हैं कि हम जो शिक्षा लेते हैं या हम कोई भी ज्ञान लेंगे या हम कोई कार्य करेंगे, हम उस कार्य को बिना कंडीशन के नहीं कर सकते जब तक कि हमारे सामने उस कार्य को करने के लिए परिस्थिति उत्पन्न ना हो। तो यही उन्होंने कहा है कि ऐसी विशिष्ट परिस्थितियों को वो जन्म देता है जिससे कि वो जो उनके शैक्षिक उद्देश्य हैं, जो उद्देश्य वो लेकर चल रहे हैं, उन उद्देश्यों की प्राप्ति में वो सहायक नहीं हो, अर्थात हम कार्य वही करेंगे जो हमारे लिए उपयोगी हो। अगर जो कार्य हमारे लिए उपयोगी नहीं होता हम उस कार्य को नहीं करते। तो और साथ में इन उद्देश्य की प्राप्ति के साथ में हमें उसे सीखने में भी सुगमता प्रदान करें, यानी हम वही कार्य करेंगे जो हमें हमारी उपयोगिता भी पूरी करवाता है और साथ में वो हमारे लिए सरल भी रहे। ये जो सुगमता प्रदान करना, हमारे उद्देश्य की प्राप्ति करना, यानी कि वातावरण के अनुसार, ये इनकी परिभाषा थी जो हमारे शिक्षा विद्वान मैकिन्टर और वाइट ने ये परिभाषा अपने शिक्षण कौशल के लिए दी। आगे हम पढ़ेंगे शिक्षण कौशल की विशेषताएं कि हम शिक्षण कौशल में ऐसी क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, हम क्यों इनका प्रयोग करते हैं। वैसे तो मैंने आपको अर्थ में भी बताया था कि शिक्षण कौशलों का प्रयोग हम शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए करते हैं कि जिससे हमारी शिक्षण प्रक्रिया बहुत ही प्रभावी बने। अध्यापक ये चाहते हैं कि मैं जो बच्चों को सिखाऊं वो बच्चे पूर्ण रूप से उसमें सहभागिता दिखाते हुए उसको सीखें, अर्थात शिक्षण कौशल को हम प्रशिक्षण करके हमारे व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए छात्र के व्यवहार में, और शिक्षक स्वयं भी इन कौशलों का प्रयोग करके अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाते हैं। इसीलिए हम हमारे इन शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं एक शिक्षण प्रक्रिया को सुंदर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए,
हम इनका प्रयोग करते हैं। अब है हमारे शिक्षण कौशलों की विशेषताएं। सर्वप्रथम है कि शिक्षण कौशल शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। ये मैंने बताई है कि जितना अच्छा करने की, यानी कि जब तक हम हमारी प्रक्रिया को, हमारे काम को हम ऐसा ना बनाए कि वो प्रभाव ना छोड़े। क्या हमें उस कार्य को करने में, कहते ना कार्य को करने में मजा तब आता है जब उसका प्रभाव दिखाई दे, अर्थात उसकी आवश्यकता बढ़े कि हम ज्यादा से ज्यादा उसको प्रभावी किस तरीके से बना सकते हैं। यानी कि हमें उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हम शिक्षण कौशल का प्रयोग करते हैं। सेकंड है, अंतःक्रिया को सक्रिय बनाते हैं। जो मेरी ऊपर की परिभाषा में भी है कुछ सृष्टि की में, कि ये अंतः प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास करते हैं। जो शिक्षक के साथ शिक्षार्थी को सक्रिय बनाने के लिए, कई बार हमने देखते हैं कि हमारे जो शिक्षण, कई टीचर समझे, हमें जब पढ़ाते हैं तो जो छात्र हैं उनको निरसता प्रधान होती है। क्यों होती है? क्योंकि वो उसमें वो प्रभाव नहीं दिखा सके, वो रोचकता नहीं दिखा सके जिसमें कि वो शिक्षक को उसमें पूर्ण रूप से सहभागी बना सके। इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो अंतःक्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं को सक्रिय बनाए रखने के लिए हम इन कौशलों का प्रयोग करते हैं। हम क्यों करते हैं, प्रश्न क्यों पूछते हैं बीच बीच में शिक्षक? क्योंकि वो ये जान सके कि शिक्षार्थी, शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं, जो ज्ञान दे रहे हैं, उसमें वो कितने पूर्ण रूप से सहभागी हैं, या हम कहें बार बार में उन्हें सक्रिय बनाने के लिए हम इन कौशलों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि हमारी जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें निरसता ना आए, ऐसा ना लगे कि बच्चे उससे बोर हो रहे हैं। उसमें हम इसको जो अंतःक्रियाएं होती है उसे सक्रिय बनाने के लिए हम शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं। फिर है हमारा विषय वस्तु को सरल व सुगम बनाने के लिए। हमारे शिक्षण प्रक्रिया, जो हमारे शिक्षक के लिए कहते हैं कि शिक्षक का शिक्षण कौशल एक हथियार होती है, शिक्षक स्वयं एक कलाकार होता है, तो वो क्या करेंगे, अपने शिक्षार्थी को उस कार्य को बनाने के लिए सरलता, सुगमता, आसान रास्ता हम दिखाने के लिए जो चीज वो समझा रहे हैं उस विषय वस्तु को ज्यादा से ज्यादा सरल बनाने के लिए वो इन कौशलों का प्रयोग करते हैं, जिससे कि विद्यार्थी उसे आसानी से समझ सके। इसीलिए हम शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हैं। फिर है विशिष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक। यानी कि जो हम अपने टारगेट लेकर चलते हैं, जो हमारे उद्देश्य हम लेकर चलते हैं, उन उद्देश्यों के, छोटे छोटे उद्देश्यों के माध्यम से हम हमारे लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो कहते हैं जो हमारा एक विशिष्ट लक्ष्य होता है उन लक्ष्यों की हम प्राप्ति किसके माध्यम से करते हैं, शिक्षण कौशलों के माध्यम से हम उस लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। फिर है शिक्षण प्रक्रिया या व्यवहार को संयमित करना, कि जो हमारी शिक्षण प्रोसेसिंग चल रही है उसके साथ साथ हम व्यवहार में भी संयमित करते हैं कि किस तरीके से बच्चा, दोनों में एक समायोजन करते हैं कि बच्चे ने इस प्रक्रिया के माध्यम से अपने व्यवहार में कितना परिवर्तन लाया, या फिर उसे बार बार में उस चीज से अनुकूलता बनाए रखने के लिए इन कौशलों का हम प्रयोग करते हैं। वो संयमित करते हैं कि किस तरीके से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये हमारे शिक्षण कौशल की विशेषताएं थी। आगे हम शिक्षण कौशल की, जो कई बार हम जो एक सिंपल तरीके से कहते हैं ना, शिक्षण कौशल को हमें हम किस तरीके से पहचान सकते हैं, उनकी कौन कौन सी विधियां होती हैं, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि शिक्षण कौशल के पहचानने की विधियां, कि हम कौन कौन सी विधियां होती हैं जिसके माध्यम से हम शिक्षण कौशल की पहचान कर सकते हैं कि ये हमारे शिक्षण कौशल का मेथड है। सबसे पहले हम देखेंगे अवलोकन विधि। अवलोकन विधि, ये अवलोकन विधि क्या होता है, जो शिक्षण, यानी कि मैं बता रही हूँ कि शिक्षण कौशल को पहचानने के लिए हम किन किन विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। और शिक्षण कौशल को पहचानने के लिए हम सर्वप्रथम अवलोकन विधि को अपना सकते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन, जिसमें आपने देखा है शिक्षक
शिक्षार्थी का क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। अब ऑब्जर्वेशन किस तरीके से करते हैं कि वो बीच में से बच्चे से खड़े करके बच्चे से ये भी पूछ सकते हैं कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, कहाँ पढ़ा रहे हैं। बुक में वो पूछ सकते हैं कि मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया, या उससे संबंधित वो उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ में आपने देखा है कि शिक्षार्थी भी शिक्षक का अवलोकन कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम बच्चों को माइक्रो टीचिंग करवाते हैं तो बच्चे एक दूसरे का अवलोकन करते हैं। जो छात्र अध्यापक होता है वो दूसरे छात्र अध्यापक का अवलोकन करते हैं। तो ये अवलोकन करना सिखाया जाता है इन शिक्षण कौशलों के माध्यम से कि क्या जो शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं वो हमारे शिक्षण कौशलों का प्रयोग कर रहे हैं या नहीं। क्या शिक्षक हमें जो कौशल, जो हमारे जो ये टीचिंग स्किल्स है इनके प्रयोग कर रहे हैं या नहीं, इनका वो अवलोकन करते हैं। तो ये सबसे पहली हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी कि हम उसके माध्यम से हम शिक्षण के कौशलों की पहचान कर सकते हैं। सेकंड है हमारा साक्षात्कार, साक्षात्कार व विचार विमर्श विधि। साक्षात्कार या विचार विमर्श, यानी कि इंटरव्यू एंड डिसीजन मेथड, जो हम आपस में डिस्कस करते हैं। शिक्षक, कई बार ये होता है कि शिक्षक का हम साक्षात्कार इंटरव्यू के माध्यम से हम पूछ सकते हैं। शिक्षक भी शिक्षार्थी से खड़ा करके हम आमने सामने उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। कई बार छात्र बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो ये कहते हैं कि हम जो टीचिंग स्किलिंग्स है उसमें हम साक्षात्कार यानी इंटरव्यू बेस और साथ में विचार विमर्श डिस्कशन बच्चे भी कर सकते हैं कोई भी अपने विषय वस्तु को लेकर। अगर उन्हें उसमें समस्या आती है तो वो टीचर से इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये कहते हैं कि इन विचार विमर्श विधि के द्वारा भी हम हमारे जो शिक्षण कौशल है उन्हें हम पहचान सकते हैं। थर्ड है हमारा पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि, पाठ्यक्रम व उद्देश्य विश्लेषण विधि। पाठ्यक्रम हमारा करिकुलम एंड हम क्या करते हैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, यानी कि उसके बारे में जो हमारा हमें शिक्षक जब पढ़ाते हैं शिक्षण प्रक्रिया, तो हमें किसके साथ द्वारा पढ़ाया जाता है, हमारा पाठ्यक्रम हमारा बेस होता है करिकुलम। उस करिकुलम के साथ साथ हमारा जो उद्देश्य उसमें निहित होता है वो पाठ्यक्रम हम सेलेक्ट करते हैं जिसकी हमें आवश्यकता होती है। उस उद्देश्य को हम सेलेक्ट करके हम उनका विश्लेषण करते हुए कहते हैं ना कि जब भी किसी कार्य को, ये हम कहते हैं कि हमें सरलता प्रदान करने के लिए, हमें छात्र को आसानी से समझ में आने के लिए हम इस विश्लेषण की विधि कर अपनाते हैं। क्योंकि अगर हम कई बार देखते हैं कि अगर हम एक साथ किसी चीज को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारा उस चीज के प्रति निरसता आ जाती है, बोरियत लगने लग जाती है, या हम कहें कि वो भार के कारण हमें वो समझ में नहीं आती है। तो हमारा पाठ्यक्रम और उद्देश्य विश्लेषण विधि के माध्यम से हम जो कौशल है, कौशलों के माध्यम से हम क्या करते हैं उसे आसान बनाते हैं, जिससे कि आसानी से हमें हमारी विषय वस्तु समझ में आ सके। लास्ट में है हमारी शिक्षक सम्मति विधि, शिक्षक सम्मति विधि। शिक्षक सम्मति यानी टीचर्स ओपिनियन मेथड, जिसमें टीचर की ओपिनियन होती है कि किस तरीके से टीचर आपको पढ़ाए, या टीचर बच्चों से पूछे कि आपको क्या समझ में आए। इस यहाँ पर टीचर अपनी सहमति यहाँ पर बताते हैं, वो अपने ओपिनियन बच्चों को बताते हैं कि किस तरीके से वो पढ़ाना चाह रहे हैं, या किस तरीके से आपको जो टीचर ने पढ़ाया है वो कहाँ तक आपको समझ में आया है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था शिक्षण कौशल, और ये टॉपिक आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद।